भिंडी को हमने धुल लिया है, धुल के। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जो आपके साथ में रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी मसाला, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भिंडी मसाला बनाने की विधि, और आपको बताते हैं कि भिंडी मसाला अलग तरीके से कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, ऐसी आपको रेसिपी मिलती रहेगी। तो चलिए भिंडी बनाने की विधि स्टार्ट करते हैं। चलिए तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी। ये देखिए, भिंडी को हमने धुल लिया है, धुल के ही काटे भिंडी को, क्योंकि काटने के बाद नहीं धुल सकते भिंडी को। तो अभी हम भिंडी को काट लेते हैं, छोटे छोटे 4-5 पीस कर लीजिएगा एक भिंडी के। तो अभी कर लेते हैं भिंडी के पीस। तो दोस्तों भिंडी कट चुकी है, ये देखिए। आप भी ऐसे ही काट लें बारीक बारीक भिंडी, ये देखिए। अब भिंडी को फ्राई करने की तैयारी कर लेते हैं, यानी कि बनाने की तैयारी कर लेते हैं भिंडी को। हमने प्याज ले ली है फ्राई करने के लिए, साथ में हरी मिर्च ली है, लहसुन लिया है, और हमने यहाँ पर एक टमाटर लिया है। तो इनको हमने काट लिया है, चढ़ा दी हमने कढ़ाई, कढ़ाई में डाला है ऑयल, ये देखिए। तो भिंडी मसाला बनने वाला है आज, बहुत ही टेस्टी, अमेजिंग। आप सभी को भिंडी पसंद है, तो आज हम थोड़ा सा यूनिक तरीका अपनाएंगे बनाने का। तो हम डाल रहे हैं राई, ये देखिए, पकने देंगे राई को। लहसुन डाला है और साथ ही में डाली हमने मिर्च, इनको पका लेंगे अच्छे से। अब डालेंगे प्याज, प्याज को ढक के रख देंगे, और साथ ही में हम डाल रहे हैं भिंडी को, ये देखिए। मिक्स कर लेंगे, इसमें हम कोई मसाला नहीं डालेंगे, कोई कुछ नहीं डालेंगे। हाँ, टमाटर भी हम ऊपर से डाल रहे हैं, ये देखिए। साथ में हम डालेंगे नमक और हल्का सा धनिया। नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसको ढक के रख देते हैं स्लो फ्लेम पे, तब तक ये पक ना जाए। तो दोस्तों भिंडी बनके तैयार हो चुकी है, ये देखिए क्या बात है, खुशबू बेहतरीन। अब प्लेट में कर रहे हैं हम खाने के लिए भिंडी को, ये देखिए कच्चा। अभी हम आपको टेस्ट करके बताएंगे कि कैसी बनी है, जो कि देखने में तो बहुत बेहतरीन लग रही है, खाने में देखते हैं कैसी बनी है। दोस्तों बता नहीं सकता, आपको पता ही है भिंडी सबसे बेहतरीन होती है और सभी को पसंद होती है, बट इस तरीके से बनाओगे ना तो मज़ा ही आने वाला है खाने में। तो ऐसे ही बना के आप देखिएगा। अगर दोस्तों अब मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, कल मिलते हैं।